हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कोकोनट कुकीज़। तो कोकोनट कुकीज़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 कप मैदा लिया है, 1/2 कप मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है, 1/2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और 1/2 कप मैंने यहाँ पर बटर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो आप बटर की जगह पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें हम अपने बटर को डालेंगे। तो ये जो बटर मैंने लिया है वो मैं यहाँ पर डाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बटर को मैं थोड़ा सा पहले ऐसे एक विस्क की मदद से थोड़ा सा ऐसे फेंट लूंगी। ये देखिए, और अब जो मैंने ये पाउडर शुगर ली है यहाँ पे, वो यहाँ पे डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अब बटर और शुगर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये लाइट और एयरी नहीं हो जाता। तो इसे विस्क की मदद से मिलाते हुए मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बटर और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो थोड़ा व्हाइट हो गया है। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है, तभी जो हमारी कुकीज का टेक्सचर है वो अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, अभी जो मैंने मैदा लिया है वो मैं यहाँ पे छान कर इसमें ले लूंगी। तो अब हम इसे छान लेंगे इसमें। और ये जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है वो मैं यहाँ पे डाल लूंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा बचा लूंगी ऊपर से कुकीज में लगाने के लिए, और मैं इसमें डाल देती हूँ। इतना मैं रख लेती हूँ पर कुकीज में कोट करने के लिए। और अब सारी चीजों को हम अपने हाथ से इसमें अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सब चीजों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून ये मिल्क ऐड करूंगी। तो इसे 2 बार में ऐड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, और अब जो थोड़ा मिल्क और बचा उसे भी मैं डाल लूंगी यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा डो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है इसका हमें। तो डो हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब हम इसकी कुकीज बना लेते हैं। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स लूंगी मैं ऐसे हाथ में। फ्रेंड्स, आप इसे जिस शेप में बनाना चाहें उसे बना सकते हैं, मैं इसे राउंड शेप में बना रही हूँ। देखिए, और अब मैं इसे इस नारियल में इस तरीके से कोट कर लूंगी। इसे जब कुकीज बेक होकर के बाहर आएगी तो देखने में बहुत अच्छी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से मैं सारी कुकीज बना के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सारी कुकीज बना ली हैं। इन्हें बेक करने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि बीच में थोड़े से गैप रखिए, क्योंकि अभी बेक होने पर जो इनकी साइज है वो थोड़ा बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, ओवन को मैंने पहले से ही कन्वेक्शन मोड पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था। और अब हम कुकीज को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो मैं इसे बेक करने के लिए डाल देती हूँ ओवन में। तो फ्रेंड्स, मैंने कुकीज को ओवन में 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है कन्वेक्शन मोड पर। और जब कुकीज बेक हो जाएंगी तो हम इसे बाहर निकाल करके देखेंगे कैसी बनी कुकीज हमारी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो कुकीज है हमारी वो बेक हो गई है। कुकीज को बेक करने में हमें 20 मिनट लगे हैं ओवन में। और अभी कुकीज गर्म है इसलिए अभी हम इसे नहीं छुएंगे, वरना ये टूट जाएंगी। जब थोड़ी ठंड हो जाएंगी तब हम इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, कुकीज अब हमारी ठंडी हो गई है। चलिए चेक करते हैं इन्हें। मैं एक उठा के देखती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुई है, आगे और पीछे कितना अच्छा कलर आया है इस पे। चलिए हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कोकोनट कुकीज बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में ये। आप एक बार इन्हें बनाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।